हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे। एंड यस गाइस, वी आर राइट हियर एट क्रोमा एंड यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटेल ईवो डे, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ढेर सारे यहाँ पे लैपटॉप्स हैं। एंड गाइस, ये सारे लैपटॉप्स यहाँ पे आते हैं इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के साथ। वैसे गाइस, आप सभी को पता है इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन है तो लैपटॉप यहाँ पे लाइट वेट होने ही वाला है। बट गाइस, यहाँ पे इन सारे लैपटॉप्स में पर्सनली मुझे एचपी का एनवी एक्स 360 लैपटॉप बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि गाइस लाइट वेट लैपटॉप है। एंड यस, ये कम्प्लीटली एक टच स्क्रीन लैपटॉप है। यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट करके एज ए टैब भी यूज कर सकता हूँ। एंड गाइस, इंटेल ईवो को ढेर सारे एडवांटेजेस है। सो क्या एडवांटेजेस है, कैसे आप इस लैपटॉप को यहाँ पे यूज कर सकते हो, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये जो HP का एनवी एक्स 360 लैपटॉप है ना, इसकी बिल्ड यहाँ पे बहुत ही स्टर्डी निकल के आती है। आप देख सकते हो इसका जो हिंज है ना, उसे आप 360 डिग्रीज में यहाँ पे रोटेट कर सकते हो एंड यहाँ पे लैपटॉप को एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो। एंड गाइज, ये जो लैपटॉप है ना, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आपको देखने मिलता है। सो गाइज, ये भी एक एडवांटेज है इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप का, जहाँ पे इसका वेट निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ 1.32 केजीज का। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 3.5mm का जैक, HD कार्ड रीडर, टाइप ए पोर्ट। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स देखने मिलते हैं एंड एक USB टाइप ए पोर्ट। एंड गाइस, ये जो USB टाइप ए पोर्ट है ना, ये एक ऑलवेज ऑन पोर्ट है। सो बेसिकली आप चार्जिंग पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हो। सो इन ऑल गाइस, इसकी बिल्ड यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। एंड गाइस, प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर देखने मिलता है। एंड ये जो प्रोसेसर है ना, ये एक ईवो सर्टिफाइड प्रोसेसर है। सो गाइस, ये है थर्ड जनरेशन ईवो प्रोसेसर्स का, जिसके आपको ढेर सारे एडवांटेजेस देखने मिलते हैं। वैसे गाइस, फिलहाल हम प्रोसेसर की बातचीत करेंगे, एडवांटेजेस की बातचीत हम आगे जाके वीडियो में करेंगे। सो गाइस, ये जो 12th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर है, ये यहाँ पे आता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ। तो यहाँ पे आपको 2 परफॉर्मेंस कोर्स देखने मिलते हैं एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स। सो टोटल 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। एंड उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने इंटेल के आयरिस एक्सी ग्राफिक्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। एंड गाइस, इस प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने मिलती है। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम टर्बो पावर है ना, वो निकल के आती है 29 वॉट्स की। सो गाइस, इन ऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मल्टीटास्किंग हो गया या फिर डेली टास्क अगर आप इस पे परफॉर्म कर रहे हो ना, तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे इंटेल के आयरिस एक्सी ग्राफिक्स भी है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक फुल HD वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो वो इस लैपटॉप पे बहुत ही स्मूथली वर्क करने वाला है। एंड बट ऑब्वियस गाइस, फोटोशॉप भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर आपको OLED डिस्प्ले देखने मिलता है। सो जो कलर एक्यूरेसी ना, बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 16GB का LPDDR4X RAM देखने मिलता है 4266 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ। उसी के साथ 512GB की NVMe Express M.2 SSD। एंड गाइस, यहाँ पे जो स्टोरेज वाला पार्ट है ना, एडिक्वेट आपको देखने मिलता है। वैसे गाइस, यहाँ पे जो स्टोरेज वाला पार्ट है ना, उसे आप अपग्रेड भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड गाइस, अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ पे कैजुअल गेमिंग की। वैसे गाइस, इवेंट पे हम कैजुअल गेम वहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाए, बट गाइस इंटेल का कोर i5 ईवो सर्टिफाइड प्रोसेसर है। सो ऑलरेडी हमने कुछ लैपटॉप पे इसकी टेस्टिंग की थी, जहाँ पे आप कैजुअल गेम जैसे वैलोरेंट हो गया या फिर GTA 5 थोड़े कम फ्रेम रेट्स पे बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। एंड गाइस, इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना, वो बड़ा ही अमेजिंग निकल के आता है। 13.3 इंच का OLED डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे आता है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड ये कंप्लीट डिस्प्ले ना, आपको टच स्क्रीन देखने मिलता है। वैसे गाइस, आप इसे कन्वर्ट करके एज अ टैब भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे आप HDR कंटेंट इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉच कर सकते हो। वैसे गाइस, अगर आप डेली टास्क कर रहे हो ना, मल्टीटास्किंग वगैरह, तो आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं आने वाला, क्योंकि गाइस OLED डिस्प्ले है। सो यहाँ पे आपको लो ब्लू लाइट एमिशन देखने मिलता है। एंड गाइस, वीडियो के स्टार्ट से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये जो लैपटॉप है ना, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। सो गाइस, इसके ना आपको ढेर सारे एडवांटेजेस देखने मिलते हैं। सो जो सबसे पहला एडवांटेज है ना, वो है इंस्टेंट रेज टू वेक। तो आप देख सकते हो लैपटॉप को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे लैपटॉप इमीडिएटली पावर ऑन हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने फुल HD वेबकैम भी प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे आते हैं AI नॉइस कैंसिलेशन माइक्स के साथ। एंड यहाँ पे वेबकैम की क्वालिटी ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलेंगी। एंड गाइस, यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज है ना, आपको IR बेस्ड फेस अनलॉक का भी फीचर देखने मिलता है। सो आप वेबकैम की हेल्प से आपके लैपटॉप को यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। गाइस, कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पे आपको Wi-Fi 6E देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आपको फास्टर अपलोड्स एंड फास्टर डाउनलोड्स देखने मिलेंगे। हालांकि गाइस, हम लोग थे क्रोमा स्टोर में, तो वहाँ पे ना इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी। अगर आप घर के Wi-Fi पे यूज कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ही अमेजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने मिलेगी। वैसे गाइस, यहाँ पे उन्होंने ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आप एक्सटर्नल ब्लूटूथ हेडफोन्स यहाँ पे कनेक्ट करके
बिना किसी को डिस्टर्ब किए म्यूजिक को या फिर कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे सबसे बढ़िया फीचर पता है क्या है, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप का बैटरी लाइफ। गाइस यहाँ पे उन्होंने 66.5 वॉट आवर्स की बैटरी इसके अंदर प्रोवाइड किए एंड यहाँ पे आपको अप टू 10 आवर्स का बैटरी बैकअप टाइम देखने मिलता है इस पर्टिकुलर लैपटॉप में। सो मेरे हिसाब से गाइस बैटरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग निकल के थी। एंड वैसे गाइस मुझे पता है बहुत सारे लोग है ना बेंचमार्क्स के लिए यहाँ पे रुके हैं, बट गाइस हम लोग थे क्रोमा के स्टोर में तो वहां पे हम उसे बेंचमार्क नहीं कर पाए, बट ये लैपटॉप अगर मेरे पास आता है ना तो फॉर श्योर गाइस इन डेप्थ वीडियो आपको इसकी मिलेगी। वैसे गाइस अगर मैं इसके कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ ना तो बैकलेट चिकलेट कीबोर्ड आपको देखने मिलता है एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेक्टाइल फील होता है जब भी आप इसके ऊपर टाइप कर रहे हो। एंड यहाँ पे जो ट्रैक पैड भी उन्होंने प्रोवाइड किया ना काफी बड़े साइज का आपको देखने मिलता है जिसके ऊपर उन्होंने जेस्चर सपोर्ट एंड मल्टी टच सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। एंड गाइस इस लैपटॉप के अंदर आपको ओलेड डिस्प्ले देखने मिलता है तो बट ऑब्वियस आप कॉन्टेंट वॉचिंग पर्पज के लिए भी इसे यूज करोगे। सो यहाँ पे स्पीकर सेटअप है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे उन्होंने डुअल फायरिंग स्पीकर इसके अंदर प्रोवाइड किया जो यहाँ पे आता है बैंग एंड ओलेफसन सर्टिफिकेशन के साथ। सो गाइस ऑलरेडी हमने वहाँ पे इवेंट में ना कुछ सॉन्ग्स भी सुने एंड ओवरऑल इसका जो आउटपुट था ना इतने एम्बिएंट एंड इतने शोर में भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा था। एंड वैसे गाइस ये जो HP का NVX360 लैपटॉप है ना ये यहाँ पे आता है प्री इंस्टॉल विंडोज 11 होम एडिशन के साथ जहाँ पे आपको MS Office 2021 भी देखने मिलेगा। सो गाइस आपके जो डे टू डे टास्क है ना वो सारी चीज़ें ना विंडोज 11 विद MS Office के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से यू नो वर्क कर सकते हो उस पर। एंड गाइस प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 94,990 इसकी प्राइसिंग है विद ओलेड डिस्प्ले एंड इतने सारे फीचर्स एंड सबसे बढ़िया चीज़ मतलब इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है ये। सो वैसे तो गाइस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है HP NVX360 लैपटॉप को लेके। एंड गाइस इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन है जिसके आपको ढेर सारे एडवांटेजेस देखने मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको बढ़िया बैटरी लाइफ देखने मिलेगी, वाईफाई 6E, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, लाइट वेट भी है, थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट आपको देखने मिलता है एंड यस एक टच स्क्रीन लैपटॉप है तो आप इसे एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल गाइज मुझे बहुत ही अमेजिंग लैपटॉप लगा एंड बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। एंड गाइज अगर किसी को इसे चेकआउट करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।